Hello, 5th class. I'm Harpreet from Paramount Public School. Today, we will proceed our question answers of chapter number 4. As you know that by day, we have done our reading part and we have already discussed about the book work of this chapter. Now, the last part is its question answers. Okay. The chapter name is, you know that, pollination. We have done it. Now, the first question is, you can see the questions on the book, bete. You just write down the questions with the black pen and answers with the blue pen. Name the four main parts of our flower. Kisi bhi flower ke four main parts batane hain. Kaun-kaun se hain? Calyx, corolla, androecium and gynoecium. These are the main four parts. Next question is, what are the functions of the following? Function means kaam. Calyx, corolla ke kya kya kaam hain, dekho. Calyx mein kya hota hai, bete? It contains sepals. Sepals matlab green leaves. जो फ्लावर के नीचे होते हैं दैट आर कॉल्ड सैपल्स एंड द सैपल्स प्रोटेक्ट द बर्ड. बर्ड मतलब जब कोई भी जो फ्लावर होता है ना बहुत छोटा होता है उसके आसपास ना ग्रीन पत्तियां लिपटी होती हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, खराब नहीं होने देती हवा से धूप से, ठीक है. एंड ग्रीन लीव्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फूड, प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. ग्रीन लीव्स जो हैं मतलब कि जो सैपल्स हैं खाना प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट इज कोरोला. कोरोला क्या है, नेक्स्ट पार्ट है बेटे इसका. इसका फंक्शन क्या है, कोरोला में क्या होता है, कंटेन्स पेटल्स. पेटल्स क्या होती हैं, कलरफुल पत्तियां किसी भी फ्लावर की, ठीक है, कलर्ड पार्ट. एंड द पेटल्स आर अट्रैक्ट अ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स. पेटल्स ही है, ऐसी चीज है बेटे किसी भी फ्लावर की जो हमें अदर थिंग्स को, इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करती हैं. अट्रैक्ट मतलब उनकी तरफ हम खींचे जाते हैं, ठीक है. दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, जिसकी वजह से फिर पॉलिनेशन होती है, ठीक है. पॉलिनेशन होना मतलब कि वो जो फिर उसके बाद ना बेटे जो इंसेक्ट्स उसके ऊपर बैठते हैं उसके बाद वो पॉलिन ग्रेन्स इधर उधर कर देते हैं, इधर उधर मतलब फीमेल पार्ट तक पहुंचा देते हैं, आफ्टर दैट पॉलिनेशन हो जाती है. ओके, थर्ड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंड्रोसियम. एंड्रोसियम में क्या होता है, ये एक मेन पार्ट है किसी भी फ्लावर का. इसमें बेटे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टेमिन्स. स्टेमिन्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ जाइनोसियम. जाइनोसियम मेन पार्ट है, ठीक है, मेन. इट्स वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर. जाइनोसियम इज द कलेक्शन ऑफ पिस्टल. इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटे, और पिस्टल के आगे पार्ट होते हैं कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दीज आर द मेन थ्री पार्ट्स ऑफ अ पिस्टल, मतलब के जाइनोसियम के. फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बताना है बेटे कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर में विद एग्जाम्पल्स. तो इस कंप्लीट फ्लावर कौन सा होता है, अ कंप्लीट फ्लावर इज अ फ्लावर दैट हैज ऑल फोर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. चारों पार्ट्स हों, कालेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड डाइनोसियम, चारों पार्ट हैं तो उसको कंप्लीट फ्लावर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोज, सनफ्लावर, ठीक है. नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कौन सा होता है, जिसमें इनमें से कोई भी एक मिस हो, एक ना हो, उसको इनकम्प्लीट कहते हैं. पपाया, वाटरमेलन, मलबेरी एक्सेट्रा, और भी हैं ऐसे, ठीक है. पॉलिनेशन क्या होता है, इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द मेल पार्ट, मेन एंथर जो है मेन पार्ट, टू द फ्लावर ऑफ अ फीमेल पार्ट. पॉलिन ग्रेन जब मेल पार्ट से निकल के फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है. सेवंथ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, इन द प्लांट्स. प्लांट्स में पॉलिनेशन कैसे होती है, देखो. व्हेन इंसेक्ट्स सच एज अ बटरफ्लाई एंड बीज कलेक्ट नेक्टर द पॉलिन ग्रेन्स स्टिक टू देयर बॉडी. जब ये फूलों के ऊपर बैठते हैं, ठीक है, नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, तो क्या होता है, पॉलिन ग्रेन इनकी बॉडी पे अटैच हो जाते हैं. व्हेन दीज इंसेक्ट्स कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द सेम और अदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड ऑफ, एक ही टाइप के हों, रोज हो तो रोज ही हो, दूसरे प्लांट पे भी पॉलिन ग्रेन्स वहां पे छोड़ देते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं ऑन टू द स्टिग्मा के ऊपर एंड एज अ रिजल्ट पॉलिनेशन अकर्स. नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, द प्रोसेस इन विच द मेल सेल प्रेजेंट इन द पॉलिन ग्रेन्स, जो प्रेजेंट होते हैं पॉलिन ग्रेन्स में, जो फ्यूज हो जाए, टूट जाए, ओपन अप हो जाए विद द फीमेल सेल के साथ प्रेजेंट इन द ओव्यूल में है, जो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है. जब बेटे पॉलिन ग्रेन्स टूट जाए, ओपन हो जाए फीमेल पार्ट में, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इन दिस वीडियो वी हैव डन फर्स्ट 8 क्वेश्चंस विद आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन
So, thank you so much, बेटे. From the 9th to 13th question, we will proceed in next video. आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी. आप अच्छे से ये question with good handwriting complete कर लेना. Thank you so much. Take care.